हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राजमा चावल। देखिए, हम राजमा की तैयारी करते हैं। हम भी प्याज, टमाटर और अदरक, हरी मिर्च ली हैं। इनको हम एक साथ मिक्सी में पीस लेते हैं। देखिए, ये हमने पीस लिए हैं प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ पीस लिया मैंने। और कुछ खड़े मसाले चाहिएंगे जो ये मेरे पास हैं, इन्हें मैं डालूंगी इसमें। हम गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई में तेल चढ़ाते हैं। देखिए, हम इस पैन में एक चम्मच रिफाइंड डालेंगे, ऑयल डालेंगे जो भी आप यूज़ करते हो। ये गरम होने देते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें हम जीरा डालेंगे और इसे भूनेंगे। देखिए, हमारा जीरा भून चुका है। अब इसमें हम ये खड़े मसाले डालेंगे और इन्हें भूनेंगे थोड़ी देर। इसके बाद जो हमने टमाटर प्याज पीसे हैं उनको डाल देंगे इसमें। हमारा ये मसाला भून रहा है। इतने हमने चावल अपने चढ़ा दिए हैं। 20 मिनट पानी में रख के चावल रख दिए थे हमने, वो चढ़ा दिए। इधर हमारे ये चावल रेडी हो रहा है। अभी थोड़े कच्चे हैं चावल, अभी हमारे ये चावल रेडी हो जाएंगे थोड़ी देर में। इतने हम मसाला भूनते हैं। और हमने ये राजमा बॉईल कर लिए हैं जो हमने रात को भिगो दिए थे, और ये बॉईल हो गए हमारे राजमा। देखिए, हमारे चावल इधर रेडी हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। इन्हें हम निकाल देते हैं। देखिए, हमारा मसाला भून रहा है, भून चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये हमारे पास राजमा मसाला है। 2 चम्मच राजमा मसाला डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। ठीक है, मसाला हमारा भून चुका है अच्छे से। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छे। और इसमें हम मलाई डालेंगे 2 चम्मच, 2-3 चम्मच उस हिसाब से। ठीक है, हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। हमने पानी में से निकाल दिए हैं, चावल रेडी हो गए हैं। इधर ये मसाला हमारे भून रहा है। इसे तब तक पकाना तब तक इस मलाई में से घी ना आ जाए। कम गैस करके इसे अच्छे से पकाना। मसाला हम चेक करते हैं। हमारा मसाला हमारा भून चुका है। देखिए, घी भी आ गया है, अच्छे से पक भी चुका है। अब इसमें हम राजमा डालेंगे। इसमें हम राजमा डाल देते हैं। इसे अब हम अच्छे से मिला देंगे। इन्हें थोड़ा थोड़ा हम मसाल देंगे जिससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। इन्हें पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। हम इन्हें एक बॉईल आने पर गैस कम करेंगे। देखिए, हमारे राजमा में उबाल आ चुका है। अब इसे हम कम गैस पर 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। जितना पकाएंगे उतना टेस्टी बनेंगे। 15 मिनट के लिए अब इन्हें पकने देंगे। हम राजमा अपने चेक करते हैं।
हमारे राजमा रेडी हो चुके हैं, अच्छे से हमारे राजमा बन चुके हैं। अब इनकी हम प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमने राजमा रख दिए, हम चावल रखेंगे, पापड़ रखेंगे साथ में, और अचार रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे राजमा चावल रेडी हैं। थैंक यू।